जय हिंद। देखिए उत्तराखंड में जो तबाही आई हुई है इसके पीछे मानवीय कारण भी है, कुछ प्राकृतिक कारण भी है। उत्तराखंड में हमेशा तबाही आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए थे इन तबाहियों को रोकने के लिए, ऐसे लैंडस्लाइड और ग्लेशियर के आउटब्रेक को रोकने के लिए। देखिए उत्तराखंड का जो जगह है चमोली जिला, आपको नक्शा में उसका जिला मुख्यालय मिलेगा गोपेश्वर। यहीं से सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था जो पर्यावरण को बचाने के लिए था। इस चमोली जिला में ही है त्रिशूल पर्वत, वहां से एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड और ग्लेशियर पिघल के गिरा। नंदा देवी के पास से जो ग्लेशियर टूटा है वो ये वाला एरिया टूटा है। आप देखेंगे पूरा ग्लेशियर हजारों साल से ये बर्फ से जमे हुए हैं, जब गर्मी होती है ग्लोबल वार्मिंग से तो ये पिघलने लगते हैं। पिघलने के बाद इसका एक बहुत बड़ा एरिया, देखिए पूरा का पूरा ये पहाड़ का एरिया जो देख रहे हैं, ये एक पूरा का पूरा बड़ा सा पहाड़ टूटा है और नीचे जाके वो वैली में गिर गया है, जिस वजह से ये नीचे की जो वैली जो घाटी है ये घाटी में जलस्तर अचानक बढ़ गया। यहाँ से ये टूटने की वजह से ये घाटी में जलस्तर अचानक बढ़ने से ये भीषण दुर्घटना हो गई। अब ये घाटी काफ़ी गहरी है, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को हम घाटी कहते हैं। इसके बीच से वो पानी अचानक तेजी से निकला अपने मलबा के साथ और लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया था। हालांकि अब देखेंगे गाइडलाइंस के हिसाब से तो ऐसे घाटियों में बांध वगैरह बनाना मना किया गया है, क्योंकि ये बहुत गहरी घाटी है। यहाँ पर इसके बीच में कभी भी तबाही आएगा तो पानी का ढलान इतना तेज रहता है कि कभी भी संभलने का ये मौका नहीं देगा। ग्लेशियर जो होते हैं वो बर्फ के पहाड़ होते हैं, लोग कई हजार साल से ये बर्फ पिघले ही नहीं होते, लेकिन कभी कभी क्या होता है इन बर्फ के दबाव से इनके अंदर एक गड्ढे बन जाते हैं और नीचे से पानी पिघलना लगता है। जैसे यहाँ एक झील बन गया गड्ढा और यहाँ से पिघलने लगेगा और ये आगे जाके किसी पहाड़ों के बीच की घाटी से निकलने लगेगा जो आगे जाके नदी से मिलेगी और उसके बाद इस ग्लेशियर का कटान चालू हो जाएगा। ग्लेशियर में जिस जगह पर पानी आके मिलता है वो नीचे से इस ग्लेशियर को काटते जाता है, जिस वजह से ऊपर का लोड हो जाता है और ये ऊपर से नीचे से ग्लेशियर का तल पतला हो गया और ये ऊपर से दरार पड़ने के बाद ये इसमें गिर जाता है, जिससे कि पानी अचानक आगे बढ़ता है। कुछ लोग का कहना है, मतलब कुछ भूगोलवेताओं का ऐसा मानना है कि ग्लेशियर के जगह पे वहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यानी पत्थर का एक टुकड़ा गिरा, जिस वजह से ग्लेशियर भी पिघलने लगे और ये आगे जाकर ऋषि गंगा नदी में जाके मिल गया और ये ऋषि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो धौली गंगा में जाके मिली और उसके आगे जाके अलकनंदा में मिली। जो सबसे ज़्यादा भीषण तबाही थी वो रेड़ी गांव में मचा दिया गया इस ग्लेशियर के द्वारा। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ग्लेशियर जो होते हैं ये बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ये पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, कई हज़ार साल तक ये गले ही नहीं होते। ठीक है, जो ग्लेशियर टूटता है तो बहुत बड़े मात्रा में टूटता ही जाता है, इसे रोकना एकदम असंभव है क्योंकि एक टूटेगा तो दूसरा सब एक साथ गिरने लगेंगे सब, और इसका सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। इससे नदी का जलस्तर उठ जाएगा और ये अचानक पानी आगे बढ़ेगी और डुबा बाढ़ ला देगी अचानक से। ग्लेशियर टूटने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर छोटा सा भी ग्लेशियर टूटता है ना तो एक बड़े से ग्लेशियर को गिरा देता है लोड के वजह से और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और इनको शक्ति दे देती है नदियों की घाटियाँ या जो पर्वतों की घाटी है, दो पहाड़ों के बीच की जो घाटी बनती है ये पतला जगह, इसे हम लोग भी आकार की घाटी कहते हैं। ये जितनी भी गहरी रहती है नदियों की स्पीड उतनी भयानक रहेगी, ये घाटी से ही नदियों की जो घाटी की गहराई होती है उसे हम प्रवणता कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन भी आता है नदियों की शक्ति किससे मिलती है, तो प्रवणता यानी ग्रेडियंट शुद्ध भाषा में उसे कहते हैं हम लोग कि ढाल से मिलती है। इन्हीं ढाल के सहारे जो नदी का पानी आया वो कुछ ही सेकंडों में बहकर आगे आ गया और आगे जो पावर प्लांट था जो इस शक्ल का था, अभी वो निर्माणाधीन पावर प्लांट था, इस पावर प्लांट के ऊपर आया और इस पावर प्लांट को तबाह कर दिया और इसे पूरी तरह से कीचड़ के मलबे में दबा दिया। ये जो पावर प्लांट था, ये दो पावर प्लांट थे, एक तपोवन एक ऋषि गंगा नामक पावर प्लांट, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, इसके टनल में भी अंदर फंसे हुए हैं। अब यहां पर इस जो घटना हो रही है इस घटना को रोका भी जा सकता है। हर साल उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, 2013 में एक बड़ा सा मिला, फिर एक यहां पे देखने को ऐसे दुर्घटना मिले। जो लोग फंसे उनके बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बनाई गई। देखिए 2005 में एक स्पेशल एक्ट आया गया था, आपदा प्रबंधन एक्ट, इसके तहत कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ऐसी फोर्स का गठन करे जो पुलिस और आर्मी की तरह काम करे, लेकिन उसका मुख्य काम आपदा में लोगों को बचाना हो। तो 2005 के एक्ट के तहत 2006 में केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का गठन किया। ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, ऑरेंज कलर के पहनते हैं ताकि दूर से ही ये आराम से दिखाई दे सके। कोविड के दौर में बिहार और आसाम में बाढ़ आ गया था तो उस समय भी एनडीआरएफ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हर राज्यों की अपनी अपनी एसडीआरएफ भी होती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये भी 2005 के अधिनियम के तहत 2006 में गठित किए गए। दोनों के ड्रेस सेम होते हैं, बस एक पे एनडीआरएफ एक पे एसडीआरएफ लिखा रहता है। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ पर राज्य पुलिस बल से कुछ लोगों को कुछ
कुछ साल के लिए SDRF में भेजा जाता है, उसी तरह आर्मी से बहुत लोगों को NDRF में भेजा जाता है। इसके अलावा वहाँ आर्मी को भी लगाया गया है और आर्मी के हेलीकॉप्टर को लगाया गया ताकि वो लोग राहत काम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सके। यहाँ पर जो रोड वगैरह क्षतिग्रस्त हो गई है इसके लिए BRO का को लगाया गया। BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सेना का ही एक अंग होता है। ये इसकी गठन 1960 में किया गया था। बॉर्डर पर जितने भी रोड बनाए गए हैं वो सारी की सारी BRO ने ही बनाए हैं। BRO को तो डर इस बात का भी है कि अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन सड़कों को तेजी से नहीं बनाया तो आगे की कनेक्टिविटी टूट जाएगी, और अभी चीन के साथ हमारा बॉर्डर पे तनावपूर्ण माहौल है, इस समय कनेक्टिविटी टूटना बहुत ही गलत होगा, इसका दुरुपयोग चाइना कर सकता है। हालांकि अब चाइना जो है वापस अपने अपने पोजीशन पे लौट रहा है, इसको हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, इस वजह से ITBP को भी बुलाया गया। ITBP जो होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस पोस्ट, 1962 के इंडो साइनो वार, चाइना के लोगों को साइनो कहा जाता है, उसके बाद इसका गठन किया गया था। ये देखिए फौज जो होती है वो बॉर्डर पे नहीं लगी होती है, फौज जो होती है अलग अलग बैरक में रहती है, जहाँ सेंसिटिव एरिया रहता है वहीं पे बॉर्डर के आसपास रहती है, बाकी सब अलग अलग कैंट एरिया में रहती है। बॉर्डर की जिम्मेदारी जो होती है वो अर्धसैनिक बलों के अंडर में होती है, जो गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है, जबकि फौज जो होती है वो रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। पाकिस्तान बॉर्डर जो है और ये बांग्लादेश बॉर्डर, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सेफ्टी BSF को है, जबकि चीन सीमा से जो लगता है, जो एरिया चाइना से लगता है, इसकी जिम्मेदारी ITBP को है, जबकि नेपाल जो बॉर्डर लगता है, ये नेपाल बॉर्डर, यहाँ की जिम्मेदारी SSB की रहती है, और इस साइड वाला एरिया असम राइफल का रहता है। असम राइफल में भूटान की रक्षा तो हम लोग खुद ही करते हैं, इसलिए यहाँ कोई अलग से पैरामिलिट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वही तटरेखा की बात करेंगे तो ये करती है कोस्ट गार्ड। देखिए जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं सबके सब गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं, जबकि कोस्ट गार्ड जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है, इसलिए इसको गलती मत कर दीजिएगा। उत्तराखंड में बार बार आने वाले हिमस्खलन तथा भूस्खलन से आने वाली तबाहियों के पीछे वहाँ के स्थानीय लोग एक बहुत साल पहले हुए न्यूक्लियर डिवाइस को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए 1964 में चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया और परमाणु संपन्न देश हो गया। हालांकि हम लोगों ने उसके बाद 10 साल बाद 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण किए थे, पर वो पूरी तरह सक्सेस नहीं हुआ था। बाद में हमें 1998 में हम लोगों ने शक्ति 98 के नाम से परीक्षण किया था, वो सफल हुआ था। तो 64 में चाइना ने जब परीक्षण किया अपने पश्चिमी राज्य सिंजियांग में, तो भारत के लिए एक खतरा का माहौल आ गया, क्योंकि 1962 में हमें एक तरफा हार देखने को मिली थी चाइना से, खास करके इसी एरिया में जो अक्साई चीन के एरिया में। तो भारत उस समय अपने आप को थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर रहा था। चाइना को रोकने के लिए अमेरिका भी प्लान बना रहा था, वो चाइना पर नजर रखने के लिए भारत के सीमावर्ती एरियाओं की मदद लेना चाहता था। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो CIA है वो भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से संपर्क करती है और रॉ के साथ मिलकर एक डिवाइस लगाने का प्रयास करती है भारत के उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी पर्वत पर। नंदा देवी पर्वत उस एरिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर उन्होंने न्यूक्लियर पावर टेलीमेट्री लिसनिंग डिवाइस नाम की एक मशीन लगाई थी। यह मशीन के अंदर प्लूटोनियम था। जापान में जो पहला परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। वह लिटिल बॉय जो था 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया उसमें यूरेनियम भरा था, लेकिन 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया उसका कोड नाम था फैट मैन, उसमें जो था वो प्लूटोनियम था। तो इस प्लूटोनियम के पावर से वो चल रहा था यह डिवाइस। इस डिवाइस को एक बार पावर दे दीजिएगा तो 100 साल तक के लिए ये डिवाइस काम करनी थी। इसे 1965 में लगाना था, इसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर लगाना था। इसके लगाने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय सेना को भी, इसकी जिम्मेदारी दी गई, और यहाँ पे जब इसे लगाया गया तो ये काफी भारी डिवाइस था, वहां ले जाया गया तो डिवाइस वहां लगाने की जब तैयारी पूरी तरह हो रही थी तो वहां मौसम बिगड़ गया, वहां हिमस्खलन होने लगे, जिस वजह से वहां के लोग वापस लौटने लगे, लेकिन मौसम इतना खराब हो गया कि इन्हें मजबूरन मशीन वहीं छोड़ के वापस लौटना पड़ा। आज भी वो मशीन वहीं पर है 1965 से लेकर, और इसका जो टाइम पीरियड है ये 100 साल है। तो वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद इसके रेडिएशन से बार बार ऐसी घटना हो रही है। हालांकि इसे खोजने के लिए बहुत बार प्रयास किया गया था लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है कि ये डिवाइस कहाँ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर ये डिवाइस अपने कवर से खुल के बाहर आ जाता है तो भीषण रेडिएशन की देखने को मिलेगा, और ये रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होता है। परमाणु बम कोई बहुत खतरनाक नहीं होता, बल्कि इसके अंदर रहा रेडिएशन कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म दे देता है। तो कुछ लोग का आशंका इस पर भी जताया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहल किया था। 2013 में जो आई भीषण तबाही के बाद सुप्रीम कोर्ट ने
रवि चोपड़ा कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा थे। इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे सरकार को जो वहाँ करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पर सेंसिटिव जोन है, जो अभी हिमालय अभी तरुण अवस्था यानी नवीन अवस्था में, ये फोल्डेड माउंटेन है, यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं करना चाहिए, इसे प्राकृतिक रूप से छोड़ देना चाहिए। ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अभी मोस्ट सेंसिटिव है, ये भूकंपीय क्षेत्र में भी आता है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। उत्तराखंड में हरियाली है, सुंदरता है, सब है, और तबाही भी आती रहती है। शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी भी उत्तराखंड हो जाती है, दिखने में भी ठीक ठाक, तबाही भी आती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के ये रवि चोपड़ा की कमेटी के सिफारिश पर एक और बात कहा गया था कि जो जो भूकंपीय जोन 4 और 5 में आते हैं, वहाँ इस तरह के बड़े निर्माण काम को नहीं करना चाहिए। भूकंपीय क्षेत्र जो होते हैं 4 होते हैं, बट नंबरिंग उसकी 2 नंबर से की जाती है। देखिए 2, 3, 4, 5, तो ऐसे आपको नंबर होते तो वो 4 ही हैं, पहले एक से लेके 5 तक होता था, लेकिन 1 नंबर को हटा दिया गया, तो अभी टोटल ये भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं। तो जो 5 नंबर भूकंपीय क्षेत्र होता है वेरी हाई रिस्क जोन होता है, और जो 4 नंबर होता है हाई रिस्क जोन होता है। तो ये जिस एरिया में डैम बन रहा था वो 4 और 5 दोनों में आते थे, कुछ एरिया 4 में कुछ 5 में, तो ऐसे एरिया में गवर्नमेंट को भी कंस्ट्रक्शन के काम को सोच समझ के करना चाहिए। दूसरा कमेटी ने कहा था कि जो पत्थरों को तोड़ने की बात है, पहाड़ों को तोड़ने के लिए, तो उसके लिए क्रशर मशीन लाए जाए और उसको फिर मशीन से तोड़ा जाए, लेकिन ठेकेदार वगैरह लोग पैसे बचाने के लिए उसमें विस्फोटक लगा के उड़ा देते हैं, जिस वजह से वाइब्रेशन होता है और पहाड़ों का जो टेक्टोनिक प्लेट वो हिल जाता है, और ग्लेशियर में कंपन होने से ग्लेशियर टूट के समुद्र में गिर जाते हैं या नदियों में गिर जाते हैं। बर्फ के बड़े से टुकड़े का गिरना हम लोग जो बर्फ का जो ग्लेशियर ब्रस्ट कहते हैं, जबकि एक पत्थर का पहाड़ों का फिसल जाना उसे हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। उत्तराखंड में ये दोनों समस्या है। इस लैंडस्लाइड को बचने के लिए यहाँ 2-3 तरीके हैं। एक जाली लगा दी जाती है बाहर से ताकि छोटे छोटे टुकड़े ना आए। होता क्या है कि थोड़े थोड़े टुकड़े अगर गिरेंगे छोटे छोटे ना, एक बड़ा सा होल बनने लगता है, फिर एक बड़ा सा एरिया गिर जाता है। तो इसको लगाने से क्या होता है, नीचे जो सड़क जाती है वो भी दुर्घटना से बच सकती है, और यहाँ पेड़ लगाने से ये कुछ हद तक रोकते हैं। हालांकि IIT के इंजीनियरों ने खोज किया था कि इसमें रॉड को ऐसे लगा दिया जाता है, ये रॉड जो होते हैं टेंशनिंग रॉड, इसको पकड़ के चट्टानों को रखे रहते हैं, जिससे कि ये बाहर की ओर नहीं आते और लैंडस्लाइड नहीं होता, इससे भी लैंडस्लाइड से बचा जा सकता था। आगे की ओर जो सबसे महत्वपूर्ण रवि चोपड़ा समिति की बात थी, वो कहा गया था कि जो घाटी यानी 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, ये तो ये जो 2 पहाड़ी है घाटी है, अगर ये घाटी 2000 मीटर से ज़्यादा गहरी है तो इसमें बांध का निर्माण न किया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरी घाटी है तो उसमें कभी भी यहाँ से अगर ग्लेशियर या कोई भी ग्लेशियर पिघलता है तो इसमें गिरेगा तो इतने स्पीड से आएगा कि इसको तोड़ देगा। इस हिसाब से उत्तराखंड के 23 बांध को रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा था कि इन्हें इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, जिसमें ये 2 बांध भी शामिल थे जो इस बार टूट गए, लेकिन सरकार वहाँ की इसे अनदेखी कर दी, और जो 23 बांध उसे बंद करने के बजाय उत्तराखंड में अभी लगभग 60 बांध पर काम चल रहा है, जो छोटे बड़े डैम बनाए गए। ये डैम हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, ये एक बहुत वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बार बार इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और ये हमको पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना बांध से हम आराम से बिजली बना सकते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे, अगर हम बिजली नहीं बनाएंगे इस तरह कोयला से बनाएंगे तो पर्यावरण को एक बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, और यही पर्यावरण के नुकसान वाले कारक हैं जो जाके ग्लोबल वार्मिंग करेंगे और ग्लेशियर पिघलेगा। तो हमें एक बैलेंस वे में लेकर चलना है, हमें विकास भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है, लेकिन कम से कम वैसे जगह पर ना किया जाए जो सेंसिटिव है, जहाँ पर दुर्घटना की संभावना होती है। इसका वहाँ के लोगों ने भी विरोध किया था, जो वहाँ पर विस्फोटक वगैरह बनाए जा रहे थे, इवन कि वहाँ पर हाईकोर्ट में भी उत्तराखंड के हाईकोर्ट में 2019 में इसके खिलाफ पिटीशन डायल किया गया था, और 2021 में ऐसी घटना भी हो गई। तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि डैम वर्क को रोका जा सके, क्योंकि डैम भी वहीं बनेंगे जहां पहाड़ होते हैं। मैदानी क्षेत्र में डैम बनाएंगे तो नदी अपना रास्ता ही बदल लेती है, तो डैम भी बनाना जगह, लेकिन हाँ बीच के रास्ते के हिसाब से चलना है, क्योंकि हम लोगों को पेरिस क्लाइमेट समझौते में भी हम लोग हैं। अभी तो जो बाइडेन आने के बाद अमेरिका को भी फिर से इसमें शामिल कर लिए हैं। ये पेरिस क्लाइमेट समझौता अगर पूरी तरह से लागू हो गया तो 2050 तक हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जैसे एक बहुत बड़ी समस्या को हम लोग निजात पा सकते हैं। और बिजली के जो साधन है, जैसे पन बिजली हो गया, पानी से, पवन चक्की से हो गया, सोलर एनर्जी से हो गया, इस सब से हमें बढ़ावा देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि अगर अभी भी रवि चोपड़ा कमेटी की सिफारिशों को हम नहीं मानते हैं और अनदेखा करते हैं तो आने वाले वक्त में हम एक और अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।